अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर की स्ट्रेंथ और शोल्डर की मोबिलिटी के लिए ब्रूम स्टिक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले तो देखते हैं ब्रूम स्टिक एक्सरसाइज क्या होती है। आपके हाथ में ये स्टिक है, ये जो एक्सरसाइज है स्टिक के जरिए होगी, ये ब्रूम स्टिक एक्सरसाइज कहलाएगी। अब शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और इसकी स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज को हम जो आज पहली एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं उसको हम एडक्शन और एब्डक्शन एक्सरसाइज कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह पकड़ना है ऐसे करके। तो सबसे पहले आपने ये एंड इस तरह कर लेना है। तो ये आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बाजू को। तो ये जब आपकी ऐसे जाएगी तो ये जो मूवमेंट है, ये आपकी जो शोल्डर की बाजू की जो मूवमेंट है इसको हम एब्डक्शन कहेंगे। और फिर यही आप जब नीचे लेके आएंगे साथ ऐसे बॉडी की जब जुड़ेगी तो ये क्या कहलाएगी, एडक्शन कहलाएगी। तो सिमिलरली आपने 10 times इसको दिन में 2 से 3 दफा करना है शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए। फिर सिमिलरली ये आप इस साइड पे जब कर चुके होंगे फिर आपने दूसरी साइड पे करना है। दूसरी साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपने लेके जाना है और फिर इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये आपने ऐसे इस तरफ पकड़नी है। तो अब इसको ऊपर लेके गए हम, फिर इसको नीचे लेके आए, फिर इसको ऊपर लेके गए, फिर इसको ऐसे लेके आए। तो ये हमारी जो मूवमेंट है शोल्डर की, ये एब्डक्शन और एडक्शन, ये दोनों मूवमेंट्स हैं। तो ये जो मूवमेंट्स आपको बताइए, इन मूवमेंट्स के करने की वजह से जो शोल्डर में पेन है उसमें रिकवरी होगी, शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इसकी मोबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, इसकी स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी।